मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और बीमार ना पड़े उसके लिए चार मोटी मोटी बातें हमेशा याद रखना, मैं उनका पालन करता हूं, आप भी करना। योग प्राणायाम रोज करना, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना कभी भी, एक घंटे बाद पीना, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, उसका पाचन होना बहुत जरूरी है। खाने को पचाने के लिए पेट में अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही वो जलना शुरू हो जाती है, हम घटाघट पानी पी लेते हैं, वो अग्नि शांत हो जाती है, फिर खाना पचता नहीं, फिर खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियां पैदा करता है। इसलिए खाने के बाद पानी मत पियो एक घंटे तक, और पानी को जब भी पियो तो घूट घूट भर के पियो, थोड़ा थोड़ा। क्यों? मुंह में लार बनती है ना, ये पानी में मिलके पेट में जानी चाहिए। मुंह की लार जो है ना क्षारीय है, पेट में अम्ल बनता है। क्षार और अम्ल दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। जिनका पेट न्यूट्रल होता है वो कभी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए पानी घूट घूट पियो। तीसरा तक काम करो, कभी भी ठंडा पानी मत पियो, हमेशा पानी सादा या गुनगुना पानी पियो। फ्रिज का पानी मत पियो, क्योंकि ठंडा पानी पीते ही गड़बड़ होती है। हमारा पेट गर्म है, पानी हमने ठंडा पी लिया, अब पानी को गर्म करना पड़ता है पेट में, उसके लिए खून की जरूरत पड़ती है। सारे शरीर का खून पेट में आ जाता है तो शरीर के दूसरे अंगों को खून की कमी पड़ती है, उसके कारण शरीर के अंग खराब होते हैं। इसलिए ठंडा पानी मत पियो, सादा पानी पियो, मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं। और आखिरी नियम है, सवेरे सवेरे सोकर उठो, सबसे पहले पानी पियो, मुंह धोने से पहले पानी पियो, संडास जाने से पहले, टॉयलेट जाने से पहले पानी पियो। पानी पिए के अगर आप टॉयलेट जाओगे, पेट एकदम से साफ होगा, और जिनका पेट एक बार सुबह साफ होता है वो बीमार नहीं पड़ते। आप जानवरों को देखो, जानवर जब खाना खाते हैं ना, कोई पानी नहीं पीता, हमेशा तीन चार घंटे के बाद पानी पीते हैं। चिड़िया भी दाना चुगती है सुबह सुबह, पानी पीती है 10-11 बजे। पक्षी और पशु सब पानी खाने के 2-3 घंटे बाद पीते हैं, और कोई पशु पक्षी ठंडा पानी नहीं पीता, बर्फ नहीं खाता, आइसक्रीम नहीं खाता। आप क्यों खा रहे हो? नहीं खाना, गला खराब होता है। फालतू खर्चा कम करो, पैसे बचा के स्वस्थ रहो। हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा।